लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। आईपीएल की नीलामी के पश्चात कई टीमों ने इसका फायदा उठाया, वहीं कई को इसका नुकसान देखने को मिला। ऐसे में सबसे अधिक परेशान किंग्स इलेवन पंजाब की ओनर प्रीति जिंटा दिखी। मौजूदा खबर अनुसार बता दें कि आईपीएल सीजन 11 के लिए 578 खिलाड़ियों की नीलामी हो चुकी है। इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टॉक्स 12.50 करोड़ में सबसे महंगे बिके, जबकि जयदेव उनादकट गेंदबाजों में सबसे महंगे 11.50 करोड़ में बिके। किंग्स इलेवन पंजाब टीम की मालकिन प्रीति जिंटा ने बड़े खिलाड़ियों पर खूब पैसा बहाया, यहां तक कि उन्होंने 5 खिलाड़ियों को लगातार ही खरीद लिया। प्रीति जिंटा ने युवराज सिंह को 2 करोड़ में खरीद कर उनकी घर वापसी करवाई है। आईपीएल 2018 में प्रीति जिंटा के सह स्वामित्व वाली किंग्स इलेवन पंजाब टीम नए नाम के साथ खेलती हुई नजर आ सकती है। किंग्स इलेवन ने नाम बदलने के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त बताते चलें कि प्रीति जिंटा नीलामी के पश्चात जिस खिलाड़ी को अपनी टीम में वापस चाहती थी वो कोई और नहीं बल्कि संदीप शर्मा है, जो इस वर्ष से हैदराबाद की टीम से खेलते नजर आएंगे। प्रीति जिंटा हर हाल में संदीप की टीम में वापसी चाहती थी, पर वो ऐसा करने में असफल रही।